आरती की शादी में आई आंसुओं की बाढ़, क्या दुल्हनिया, क्या भैया कृष्णा, क्या सहेली बिपाशा और क्या भाभी कश्मीरा, हर किसी की आंखों में दिखे खुशी के आंसू। जयमाला के लिए घुटनों पर बैठे दीपक, तो दुल्हन ने पोंछे दूल्हे के आंसू। जी हाँ, आरती की शादी सिर्फ शादी नहीं बल्कि इमोशंस वाली शादी थी। हर कोई यहाँ रोता नजर आया, खुशियों वाले आंसू बहाता नजर आया। खुद आरती सिंह ने अपनी शादी का वो अनदेखा नजारा दिखाया है जिसे देखकर समझा जा सकता है कि उनकी वेडिंग परिवार के लिए कितना इमोशनल मौका रही। जहां दूल्हा दुल्हन से लेकर घर आती और बाराती तक की आंखों से निकले आंसू भी उनके दिल की खुशी का इजहार करते नजर आए। दरअसल शादी के चार दिन बाद आरती ने अपनी वेडिंग का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी बिग फैट पंजाबी वेडिंग के कई खास लम्हे दिखाए हैं। वीडियो की शुरुआत आरती के क्लोजअप शॉट के साथ होती है। लाल डिजाइनर जोड़े में दुल्हन बनी आरती अपनी बारात के आने का इंतजार करती नजर आ रही है। जैसे ही सज धज कर आरती मैरिज हॉल में पहुंचती हैं, तो गीता आंटी से लेकर भाभी कश्मीरा तक हर कोई उन पर प्यार लुटाता दिखा। जिसके बाद दुल्हनिया आरती मंडप में एंट्री करती है जहां दूल्हे राजा दीपक उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई कृष्णा और विकी भैया के साथ आरती दीपक की तरफ कदम बढ़ाती है तो इस इमोशनल लम्हे को देख हर किसी की आंखें भर आती हैं। दुल्हन बनी आरती के दिल में तो जज्बातों की बाढ़ आ ही रही होती है, वहीं भाभी कश्मीरा भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हैं। आरती के बेस्ट फ्रेंड्स करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु भी आरती को इतना खुश देख इमोशनल हो जाते हैं। और अब देखिए वो नज़ारा जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि आरती को प्यार करने वाला सच्चा हमसफर मिला है। अपनी दुल्हन के सामने झुककर घुटनों पर बैठकर दीपक ने आरती के हाथों से वरमाला पहनी, तो वहीं इस मौके पर दीपक की आंखें भी भर आईं। दीपक के आंसुओं को पोंछकर आरती उन पर प्यार लुटाती दिखी। जितना इमोशनल ये वीडियो है उतना ही इमोशनल इस वीडियो का कैप्शन भी है। अपने पिया पर प्यार लुटाते हुए आरती ने लिखा है, आरती दीपक बिना अधूरी, और जब दोनों मिल जाएं तो ईश्वर मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं। इस शुभ मिलन के शुभ अवसर पर आपके आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। आरती के इस वेडिंग वीडियो पर हर कोई प्यार लुटा रहा है और उन्हें खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की दुआएं दे रहा है। बता दें कि 39 साल की उम्र में आरती सिंह ने अपना घर बसाया है। दीपक चौहान मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं, हालांकि अब वो मुंबई में रहते हैं। दीपक की अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। दीपक और आरती की अरेंज्ड मैरिज है। दोनों की मुलाकात आरती की आंटी के जरिए हुई थी और फिर धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।